तो जितने लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि साहिल भाई भी वहाँ पे है, आप उनके साथ वर्कआउट क्यों नहीं करते? भाई क्यों नहीं करते आप मेरे साथ वर्कआउट बताइए? हेट साहिल खान और लव साहिल खान, बट यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग कि भाई सोशल मीडिया को किस तरीके के फिटनेस इंडस्ट्री में इंटीग्रेट करना चाहिए, वो आया इधर से है। हाँ हाँ, मेरी डब्बे वाली बॉडी है, मेरी पाउडर वाली बॉडी है। तो जितने लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि साहिल भाई भी वहाँ पे है, आप उनके साथ वर्कआउट क्यों नहीं करते? भाई क्यों नहीं करते आप मेरे साथ वर्कआउट बताइए? ये हर चीज़ का पैसा चार्ज करते हैं भाई, बहुत महंगे हैं। सांस लेने का भी पैसा चार्ज करता हूँ, क्योंकि मुझे भी सांस लेने का पैसा देना पड़ता है। इस दुनिया में आए हो तो हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं क्यों वर्कआउट करूं जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिली है? अब आपने पेमेंट दे दी है तो कर रहे हैं। अभी तो ऐसे इनका पेमेंट मत पूछना, नहीं तो एक ही आवाज निकलेगी, तेरा घर जाएगा। खैर बात यह है कि आज हम कर रहे हैं आर्म्स वर्कआउट राइट में हमारे मकसूद भाई, आपने बहुत बार देखा होगा इनको वीडियो में, और लेफ्ट में हमारे साहिल भाई, तो फंस गया बिचवाड़ा में। फिटनेस आइटम का वर्कआउट करेंगे आज। इधर तो लड़की लोग को इतना ग्लूट्स देख के लग रहा है, मेरा तुम्हारा हम तीनों को मिला के एक एक लड़की का लेग्स है। सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती है जब दुबई के बिजनेस जिम में हम आते हैं। जितनी भी गलत फहमियाँ अंदर रहती है, औकात पता चल जाता है बॉडी का। तो अभी नया गाना निकालो, औकात चेक करना हो तो बिजनेस जिम आके अपनी बॉडी देख लेना। देख लेना है ना, क्योंकि सच में यहाँ पे औकात पता चल जाती है। ऐसा लगता है भैया क्या ही है। देखो एंड्रू जैक को देख के हम लोग बस वर्कआउट भूल गए। क्या कर रहे थे वो भी भूल गए। Unbelievable. So when somebody asks you that, I'm sure a lot of people must be asking now you. That's what right? IBB pros that look like, right? How long it took? So what do you say? Man. How long it took? Years. Although it's hard work and sacrifice, but with some other stuff. Of course. Yes. Everything takes time, yes. Dedication, patience, energy, money, lot of things. Lot of things, yeah. जैसे मेरा bicep tricep जैसा भी है, तो मतलब मेरा तो muscle maturity 30 साल का है, तो अभी मैं जितना भी करूँगा वो थोड़ा pump होगा, बस हो जाएगा, तो ज़्यादा effort क्यों डालूँ? अगर मैं meals बढ़ाऊँगा, सब बढ़ाऊँगा। अभी कितने meal खा रहे हो? अभी तो बहुत कम खा रहा हूँ। अभी मैं 3 बार डिवाइन का प्रोटीन पीता हूँ अल्टरनेट, और 2 मील खाता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 प्री वर्कआउट लेता हूँ और एसेंशियल ले लेता हूँ। खाना वाना खाते हो? मेरा अपना कंपनी है प्रोटीन का। भैया पाउडर भी जिंदा होगी, खाना भी खाते नहीं, मेरी पाउडर वाली बॉडी है। मैं ये बात डब्बे वाली बॉडी, मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मेरी डब्बे वाली बॉडी है, मेरी पाउडर वाली बॉडी है। पहले ऐसे ही बोलते थे स्टाइल के टाइम में, ये आपका पाउडर वाला बॉडी है ना, उतर जाएगा, डब्बे वाली बॉडी है। अभी देखो अब जो डब्बा, अब जो डब्बा नहीं ले रहा उसको बोलते, लेता नहीं है कुछ। सबसे डेंजर वो हो जाता है जिस दिन जिम छोड़ा ना, पूरी हवा नीचे पूरी हवा नीचे, कहाँ नीचे भाई। डब्बे वाली बॉडी, प्रोटीन वाली बॉडी। जितना जिम में इन्वेस्ट होता है पैसा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम का पैसा 3 साल तक तो रिकवर होता होगा। हाँ, छोटा खोलो जिम या बड़ा खोलो, जितने भी जिम हैं, जितने जिम खुले हैं, मैं तो मतलब 100 जिम तो मैं ओपन कर चुका हूँ। वो 100 जिम का अगर मैं हिस्ट्री अभी निकालूंगा ना, 100 जिम के ऊपर 110 जिम खोला होगा, 8-9 शायद दुनिया में, शायद नहीं गारंटी दे रहा हूँ, दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने 100 जिम की ओपनिंग एज अ चीफ गेस्ट की है। तो, जुनैद करीवाला के चैनल में बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। मैं ये सोच रहा हूँ
एक का कितना तो 100 का कितना? ए, पूरा मैं ये सोच रहा हूँ एक का कितना लेते हैं? अच्छा तो 100 तो बहुत हो गया। अच्छा इसके लिए इतने सारे पॉकेट है इनके पास इसके लिए जिधर देखो पैसा रिकवर होगा। सीक्रेट पूछना है मुझे आपसे, ऐसा क्या किया आपने कि बिना कंपटीशन के इतना पैसा कमा लिया आपने? मीन्स देखो ये बात तो फैक्ट है, हेट साहिल खान और लव साहिल खान, बट यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग कि भाई सोशल मीडिया को किस तरीके के फिटनेस इंडस्ट्री में इंटीग्रेट करना चाहिए वो आया इधर से है। नहीं क्योंकि मैं पहले बॉलीवुड में था, मूवीज में था ना, हाँ। तो मेरे को बराबर मालूम है कि मार्केटिंग ब्रांडिंग होती कैसे है। जी जो जनरली जो बॉडी बिल्डिंग रहता है या जो एथलीट रहता है या स्पोर्ट्समैन रहता है जो भी, उनको अपने स्पोर्ट्स में इतना खोए रहते हैं वो कि उनको पीछे का नहीं मालूम होता है, प्रेस मीडिया कैमरा एंगल। अभी सीखा है, मेरे यूट्यूब चैनल 2017 में आया था, मैं 2017 से पहले, अभी वापस से बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ 2017 से पहले किसी भी यूट्यूब चैनल में सिनेमैटिक मैंने सबसे पहले यूट्यूब शुरू किया है। लोग कैमरा लेके घर पे बैठते थे और वीडियो बनाते थे, मैंने सबसे पहले सिनेमा स्कोप के जैसा शूट किया, उसके बाद अभी सब करते हैं बिकॉज मुझे ऐसा फिल्म का आइडिया था ना। बट आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि आपने जो शुरू किया, ऑब्वियसली हर किसी को लगता है ना वेरी गुड कि आप सब कर रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, क्यों नहीं है? तो फिर जब आप ये ऐसा बोलते हो तो वाई पीपल फील बैड? और फिर उसके ऊपर बात ऐसे क्यों होती है कि यार मैंने पहला किया बोलते हो आप? जब नहीं मैंने पहला किया है तो उसमें गलत क्या बात है, उसमें मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने कोई तो ऐसी लॉजिक होगी जिसको मैंने, मेरी नॉलेज में मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं ऐसा चिल्ला के गारंटी दे दूँ, छोटा इंसान हूँ भाई, मैं दो चार कंपनी है बस। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने सोशल मीडिया फॉलोअर इंगेजमेंट या मोनेटाइजेशन आपने किया है फिटनेस इंडस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी ने उतना लेवल टच नहीं किया है। तो क्या राज क्या था? आप लोग कर सकते हैं और आप तो कर ही रहे हो, और आप जैसे और भी दो चार लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं जिनको जानता हूँ दोस्त हैं, रूबल भाई हैं, राजवीर भाई हैं, तो और सब अच्छा करने वालों से ही दोस्ती रखते हो? लूजर का कौन दोस्त होता है भाई? नहीं किसी को दूसरों को सिखाओ ना अच्छा कैसे करते हैं। नहीं लूजर का क्यों दोस्त बनूं मैं अगर अभी आप ये व्लॉग मेरे साथ बना रहे हो जी, अगर मैं कंप्लीटली माइनस पे आ जाऊं 0/0 तो आप में से ये व्लॉग बनाते हैं? अब उसके साथ क्यों नहीं बना रहे हो? उधर वो झाड़ू दे रहा है, उसके साथ क्यों नहीं बना रहे हो, मेरे साथ क्यों बना रहे हो? तो दुनिया है, सही माँ भी उसी बच्चे को ज्यादा प्यार करती है जो अच्छा पढ़ता है, जो कमाता है, नेचुरल है, लॉ ऑफ नेचर, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आई जनरली थिंक कि एथलीट लोग जो जितने हैं, जितना वो लोग मेहनत करते हैं, उनको मार्केटिंग अब आ गया है ऑलमोस्ट करना, लेकिन अभी सोशल नेटवर्क इतना ज्यादा हो गया है कि ब्रांड जितने उससे ज्यादा वो हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से सेल्स में मुझे लगता है प्रॉब्लम हो रही है। बट एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल यार, सबको भी मार्केटिंग आ गई, सबको स्टोरी बनाना आ गया, सबको सिनेमैटिक शूट करना आ गया। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना, मैंने 100 जिम ओपन किया है, मेरे पास लिस्ट है। आप पूरी दुनिया में एक आदमी बताओ जिसने 100 जिम ओपन किया हो पैसे लेकर, चीफ गेस्ट बनकर। एनीवन इन द वर्ल्ड आई एम चैलेंजिंग, आई डिड इट। तो इसमें मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि मैं पहला आदमी ऐसा हूँ, अब इस पर आप बुरा मान जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ ना, आप झूठ बोल रहा हूँ साबित करो। मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैंने सीखा है। एरोगेंस के साथ नहीं बोल रहा हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी है ना, लोग सबका देखने का नज़रिया अलग रहता है। इसको मैं कोई अलग नज़र से देखूंगा, मैं आपको कोई अलग नज़र से देखूंगा, लेकिन दैट इज माई वे ऑफ लुकिंग, यानी कि हम एक इंसान। अभी हम लोग ट्रेनिंग करने आए जी, जनरल बात की है, आपने तो मुझे नहीं बोला घर से निकलते वक्त फ़ोन करके कि भाई हम वीडियो शूट करेंगे। जनरल नॉर्मल ट्रेनिंग चल रही है, आपने शूट करना शुरू किया, हम लोग करने लगे ओके, नहीं तो ये प्लान करता, बात करता। ये तो जो बात हो रही है वो भी प्लान नहीं था। हाँ मैं जनरल बस ऐसे सवाल आ गया कि भाई इतने जेब देख लिया, मैं बोला ये जेब है क्यों? फिर कनेक्ट हुआ, पैसे ले रहे, फिर वो 100 जिम, बोला हाँ ये जेब क्यों है? नाउ यू नो ये ब्रांड है, इसको खरीदो पहनो, और सस्ता चाहिए तो इधर आओ और महंगा चाहिए तो इधर आओ, लेकिन करो कुछ भी काम करो, पैसे कमाओ, ग्रो करो, गेट इन टू डोप मोड, बी डिवाइन इफ यू डोंट नो नाउ यू नो। सब लोग जेन्युइनली अच्छा कर रहे हैं। नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी एक चीज जो हो रही थी ना बीच में, दैट
ये उससे लड़ रहे हैं उससे लड़ रहे हैं, वो कम हो गया है बिकॉज सबको समझ में आएगा लड़ाई करके कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले क्या सबको समझ में भी आ गया किससे जीत सकते हैं किससे हार सकते हैं, वो तो खैर तो टाइम वेस्ट ही किया है ना। नहीं लेकिन अभी जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, पहले क्या होता ना वो एथलीट ने इसके बारे में बोल दिया, ये एथलीट ने उसके बारे में बोल दिया और वो बात को दो और आ गए। सबको अपना घर चलाना चाहिए। अरे भाई अपना फायदा देखो, ये एक एथलीट है, आपको साइड में रखता हूँ मैं एक मिनट, यू आर नॉट एन एथलीट ना, यू आर अ फिटनेस आइकन ऑफिशियली, दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिटनेस आइकन। ये एक एथलीट है, मैं एक एथलीट हूँ। अब मैं किधर कुछ बात कर रहा हूँ, मेरे मुँह से जाने अनजाने में कुछ अनइंटेंशनली कुछ ऐसी बात निकल गई, ह्यूमन ये बात इसको पहुँची, मेरे बार मैं लगा बोला। अब इससे ज़्यादा कौन है पता है, इसके बाजू में जो दो लोग हैं ना, देख तेरे बारे में बोला, अब वो ये समझ रहा है कि भाई जो बाजू वाला है ना वो अपनी रोटी सही कर रहा है, ये दोनों लड़ेंगे तो पूरा धंधा मेरे पास आएगा। जुनैद यू सी आई टेल यू वन थिंग, इट्स वेरी सैड कि मतलब लोगों को ये इतनी सिंपल बातें नहीं समझ में आती हैं, यू नो द जितना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, इसने ये बोला उसने वो बोला इसने ये किया, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपकी ज़िंदगी का टाइम जाएगा। भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर मैंने बोला साला जब सैलरी देना पड़ रहा है, घर में बिल भरना पड़ रहा है तो तब सोचो ना, वो इंस्टाग्राम तो पैसे दे रहा नहीं, खाली वहाँ पे लाइक्स आ रहे और लोग आई एम विथ यू, बड़े बड़े महान लोग आई एम विथ यू प्राउड ऑफ यू। अरे भाई ये प्राउड ऑफ यू और विथ यू से घर नहीं चल रहा है। जैसे कोई बोले ना आई एम विथ यू प्राउड ऑफ यू, सर अभी इस बार का 8,500 मोबाइल का बिल आया है, यू आर विथ मी प्लीज पे द बिल, देखो पैसा देता है कि नहीं। Fearless.